हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया है 2023-24 के स्टूडेंट के लिए और मैं क्लास टेंथ के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ सोशल साइंस के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 20 MCQ डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं सैम्पल क्वेश्चन में इस सैम्पल पेपर में वो सभी के सभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए देखते हैं MCQ 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है कि हाउ वाज द रोलेट एक्ट ऑफ 1919 परसीव इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट एंड सिविल लिबर्टी बाई इंडिया इंडियंस, है ना। तो किस तरीके से जो 1919 का जो एक था रोलेट एक्ट, इसने लोगों के फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर दिया, सिविल लिबर्टी को ख़त्म कर दिया, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में लिखा हुआ इट वाज व्यू एज रिक्रेसिव लेजिस्लेशन इन फेवर ऑफ द मेजोरिटी इंडियंस। बी है इट वाज कंसिडर सेवरली कर्टेलिंग द राइट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। तो बी ऑप्शन सही यहाँ पे यही कह रहा है। इसमें क्या हुआ था कि लोगों के है ना पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, किसी को भी उठा कर जेल में डाल दिया जा रहा था। ये क्या है, पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म करना, ठीक है, फ्रीडम को ख़त्म कर देना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर टू है, कह रहा है कि अंकुर ए रेसिडेंट फ्रॉम राजस्थान डिसाइडेड टू इंस्टॉल ए समर्सिबल वाटर पंप इन हिज हाउस कैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर फ्रॉम डेप्थ ऑफ 250 से 300 मीटर तक। दिस प्रैक्टिस ऑफ इंस्टॉलिंग सिमिलर पंप इन बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर अक्रॉस द स्टेट। तो ये किस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलर है पंपिंग वगैरह लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल द ग्रोइंग प्रैक्टिस मोस्ट लाइकली टू लीड टू द नियर फ्यूचर डिक्लाइन। इस अब ज़्यादा ज़्यादा अगर हम पंप लगाएंगे इससे फ्यूचर में क्या हो सकता है, और ग्राउंड वाटर ज़्यादा हम निकाल रहे हैं बाहर इससे क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है पानी कमी हो सकती है ना। तो वाटर स्कैर्सिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूटिलाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और भी आप ऑप्शन पढ़ सकते हो, टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं स्पीड में थोड़ा सा करा रहा हूँ। ठीक है, इस मैप को देखना है। कह रहे कि ऑब्जर्व द मैप गिवन बिलो शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, ओके, ये मैंने जूम कर दिया है। ठीक है, ओके, तो आगे क्वेश्चन है एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इज यूज टू मेजर रियल टाइम एयर पोल्यूशन लेवल। ए हाई AQI रिप्रेजेंट पुअर एयर क्वालिटी। तो यहाँ पे PQRS दिए हुए हैं, ये P है, AQI है, यहाँ पे R है और यहाँ पे S है। ठीक है, जो डॉटेड है देखना है कहाँ पे कम डॉट है कहाँ पे ज़्यादा डॉट है PQRS में। ए अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मार्क ऑन द मैप इज लाइकली टू एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली बेटर AQI। कहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होगा ये बताना है। तो जाहिर सी बात है आर में अच्छा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहे हैं ना ये थर्मल पावर यहाँ पे कम है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है, पी में ज़्यादा है, क्यू में ज़्यादा है, इससे तो आर में क्या है कम है, इसलिए यहाँ पे एयर क्वालिटी क्या होगी अच्छी होगी। ऑप्शन नंबर कौन सही है, आर PQR बताओ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा यहाँ पे। ये है विजुअली इम्पेयर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रीना ए 28-year-old वुमेन्स फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटी इज अन एजुकेटेड बट एडेप्ट एट मेकिंग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। हर फैमिली ट्वाइस हार्ड टू एफोर्ड टू स्क्वायर मील्स एवरी डे। अकॉर्डिंग विच डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव वुड मोस्ट क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग रीनास एंड हर किन्स वेलबींग, है ना। तो कौन से इसमें सही होगा ए बी सी डी में से। ए ऑप्शन है इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्लीन एनर्जी रीना कम्युनिटी, ऐसा ही है क्या। रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और रीना कम्युनिटी, ये गलत है। क्रिएटिंग मोर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है यहाँ पे। क्रिएटिंग मोर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रीना एंड अदर आर्टिजन्स, ठीक है, तो इससे उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है ना, उसको अच्छे से 2 टाइम में खाना वगैरह जो नहीं मिल रहा था अच्छे से वो अपना पालन पोषण कर सकती है घर का। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। इंडियाज़ ग्रीन एनर्जी गोल हैव ए सीरियस प्रॉब्लम। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्वे कवरिंग 80 किलोमीटर पावर लाइन्स अक्रॉस द थार डेजर्ट फाउंड 4 बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज डेथ ड्यूरिंग ए सिंगल ईयर ड्यू टू हाई ट्रांसमिशन वायर्स इंक्लूडिंग सम कनेक्टेड टू विंड्स टर्बाइन सोर्स। ये सारे सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लिए गए हैं जो
न्यूज़ से क्वेश्चन कुछ उठाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा इसमें 5 है। तो इसमें से ये जो क्वेश्चन है सब एमसीक्यू ज़्यादातर लिए गए हैं जो भी चल रहे हैं, है ना, न्यूज़ वगैरह में। तो वहाँ से थोड़ा सा आपके बुक से रिलेट करके इस चीज़ को लिया गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पढ़ते हैं आंसर। आंसर यस, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ पावर जनरेशन शुड बी एक्सप्लोर द मिनिमाइज द रिस्क। तो यस, ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे। कुछ यहाँ पे हो सकते हैं अल्टरनेटिव इसके, जिससे कि हम इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। जो बस्टर्ड की डेथ हो रही है वो कम हो सकती है इससे। 6 चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, मार्क एज एसर्शन एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एसर्शन ए है, पावर शेयरिंग कैन हेल्प टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। बहुत ही सही दिया हुआ, इसमें कोई गड़बड़ी है ही नहीं। एसर्शन सही है यहाँ पे, है ना। पावर शेयरिंग क्या करता है? कन्फ्लिक्ट को कम करता है। रीजन क्या दिया है? पावर शेयरिंग इंश्योर दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप आर इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग मार्जिनलाइजेशन एंड फोस्टरिंग इंक्लूसिवली, ठीक है। तो ये दोनों ही रीजन भी सही दे रखा है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो कहाँ लिखा हुआ है? बोथ एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन इंडियन स्टेट कम्युनिटीज एक्स एंड वाई हैव बीन इंगेज इन ए लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट ओवर इशू ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड रिसोर्स शेयरिंग। द टेंशन हैव इंटेंसिफाइड लीडिंग टू डिमांड फ्रॉम बोथ कम्युनिटी फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसमें से अपने हिसाब से कुछ आंसर चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दे रहा हूँ। जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा एस्टैब्लिशिंग ए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वे बोथ द कम्युनिटी हैव रोल इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिनेट इंडिकेटर ऑफ द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो कौन सा इसमें से सही आंसर होगा इसमें से, ठीक है ना। ए बी सी डी, तो ए है फ्री इकोनॉमी डिटेक्टेड बाई मार्केट फोर्सेस, बी है प्रोविजन बेसिक, नहीं गलत है। सी है एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल फाइनेंस, ये भी गलत है। एस्टैब्लिशमेंट टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, मार्क राइज एसर्शन एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट कैन चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एसर्शन दिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर सकता है? प्रमोट कर सकता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। बी दिया हुआ रीजन इसका कि दे कंट्रीब्यूट टू मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे एसर्शन यहाँ पे सही था, ऐसा हो सकता है अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आ सकती है। रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है, तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको। तो यहाँ पे बोथ ए आर ट्रू है और आर एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसका सोर्स भी देखो यहाँ पर दिया, सोर्स क्या है? UN.org, ठीक है ना। तो द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी एम्फेसिस दैट डिसीजन शुड बी मेड बाई द पीपल हु आर मोस्ट अफेक्टेड बाई देम, प्रोमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन एफिशियंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस विच हायर लेवल्स ऑफ अथॉरिटी इंटरवेनिंग वेन लोअर लेवल अथॉरिटी अनेबल टू एड्रेस सर्टन इशू इफेक्टिवली। विच इज फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल लेजिस्लेशन इंक्लोज असाइनमेंट इन विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एबव। इसमें से स्टेटेड एबव, तो कौन से इसमें सही होगा आंसर? ए बी सी डी में से आपको चूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। ध्यान से इसको थोड़ा चूज करना है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर, ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ए फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस कैपिटल आइडियाज एंड पीपल, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन से सब सारी चीज़ें होती हैं, सही बात है ना। तो कह रहे कि इसमें से कौन सा सही है ए बी सी डी में से, ठीक है। तो इसमें सही है कि एन आईकिया स्टोर इन बेंगलुरु सेलिंग प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर इन चाइना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंडियन मासेज विलिंगली पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्पाइट द चैलेंज फेस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना। बहुत सारे चैलेंज लोगों ने फेस किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में, फिर भी लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बारे में कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है ना। एक आ रहा है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, 12 का ए, ठीक। 13, ये आपको पिक्चर दिख रहा है, ये वाला है ना, इमेजेस जो दिख रहे हैं यहाँ पे। गिवन बिलो इज द पेंटिंग ऑफ इंपीरियल फेडरेशन, मैप ऑफ द वर्ल्ड शोविंग द
कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1886 की का ये समय का ये मैप है। ऑब्जर्व द पेंटिंग एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, सोर्स क्या है इसका, देख सकते हो लिखा हुआ है ना, कहाँ से लिया गया है इसको। विच इज द फॉलोइंग एलिमेंट डिपिक्टेड द पेंटिंग सीन कन्फ्लिक्टिंग व्हेन प्रेजेंटेड टुगेदर। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ये एबीसीडी में से कौन सही होगा ये बताना है। ठीक है, जो इसमें सही है वो है डी, द वर्ड्स फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी रिटेन इन द टॉप ऑफ आर्ट एट लास्ट डिपिक्टिंग ह्यूमन लेबर होल्डिंग द वर्ल्ड अपॉन हिज शोल्डर। ये तो विजुलाइज के लिए 14 पे चलते हैं हम लोग। देर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट प्रिंट रिवोल्यूशन मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये बताना है कौन से इसमें से सही ऑप्शन है। तो कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज वे आर फंडामेंटली एल्टर्ड विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। तो बिल्कुल सही दे रखा है, रीजन दे रखा है, प्रिंटिंग एनेबल द इंटेलेक्चुअल टू प्रोड्यूस कॉमेंट ऑन एंड एवेलुएट टेक्स्ट विच स्प्रेड एज अक्रॉस एज आइडिया अक्रॉस यूरोप। बिल्कुल सही दे रखा है ये भी, और एक के बारे में एक्सप्लेन भी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे कर रहा है, तो दोनों ही सही है और एक को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 15 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर विच कंट्रीब्यूट द इमरजेंस ऑफ मल्टीपल पोलिटिकल पार्टीज एट द सेम लेवल इन इंडिया। इसमें से कौन सा हो सकता है, किस आधार पर बनती है हमारे यहाँ पार्टियाँ। तो हमारे यहाँ क्या है, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, इसी कारण बहुत सारे हमारे पार्टी हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम ये नहीं करना। ठीक है ना, क्योंकि फेडरल सिस्टम तो यूएस में भी है, तो लेकिन वहाँ पे दो ही पार्टियाँ हैं, तो हमारे यहाँ क्या है, लिंग्विस्टिक और रीजनल वैरायटी डाइवर्सिटी, इस वजह से ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डिसीजन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड पोटेंशियली सर्व एज अ ट्रेड बैरियर। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो ये है सी, इम्प्लीमेंटिंग हायर टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गिवन बिलो इज अ कार्टून क्रिएटेड बाय नीलव बनर्जी द रेनाउंड इंडियन कार्टूनिस्ट कॉमिक आर्टिस्ट। इसमें से लिखा हुआ ये है आर्ट, ये दिख रहा है आपको, है ना ये पिक्चर। इसमें से दिखाना सोर्स है एशिया पैसिफिक डॉट यूएन वोमेन डॉट ओआरजी का ये सोर्स है। ठीक है, इस साइट से ये यहाँ से लिया गया है। ये क्या बता रहा है, क्या डिपिक्ट कर रहा है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये डिपिक्ट कर रहा है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया। ठीक है, देख रहे हो ये आराम से सोया हुआ है यहाँ पे, और ये औरत है, ये मटकी लेकर के जा रही है, पानी भर रही है, उसके साथ बच्चे को भी संभाल रही है, यहाँ पर भी एक बच्चा है, इसके गोद में एक बच्चा है। ठीक है, घर का सारा काम इसको करना है, मतलब ये सेक्सुअल डिवीजन को दिखा रहा है कि ये आदमी बाहर से काम करके आराम से घर पर जाकर सो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको दिखाया जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, द टेबल गिवन बिलो हाईलाइट द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द थ्री सेक्टर्स। यहाँ पर तीन सेक्टर का परसेंट दिखाया गया है इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी का। द डाटा फॉर द ईयर 2023 हैज़ एक्चुअल फिगर्स, वाइल द डाटा 2040 इज हाइपोथेटिकल बेस्ड ऑन द पब्लिश फिगर ऑफ द ईयर 2023। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी का है, 23 का, 40 का। ठीक है ना, इसमें से आंसर हमें चूज कर लेना है। ठीक है, तो इसमें से कर विच विच ऑल फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिया ग्लोबल लीडरशिप इन द फ्यूचर। तो किसका, किस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया का, ठीक है ना, ये बताना है ग्लोबल फ्यूचर का। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। ओनली वन, ओनली टू, है ना, ओनली हाइपोथेटिकल सिनेरियो वन एंड टू, इधर हाइपोथेटिकल वन और थ्री। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो सही है, ठीक है, वो कौन सा होगा। ओके, जो सही है वो क्या होगा इसमें, एक मिनट, 60%, 20%, 20%, 20%, 45%, 35%, 50%। तो इसमें सही होगा इधर हाइपोथेटिकल वन और थ्री, इसमें से या तो वन सही हो सकता है या तो थ्री सही हो सकता है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो द टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लाइक टू करें। इन सिनेरियो वन एंड टू सेकेंडरी सेक्टर विल नीड टू बी लिस्ट वर्कर्स, इन सिनेरियो टू इंडिया विल बिकम ए मेजर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। इसमें से कौन सही होगा ये बताना है ए बी सी डी में से। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन को इसमें चूज करना है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। इन सिनेरियो वन एंड थ्री मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल क्रिएटेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये भी यहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है ना, देखना है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है,
चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इन ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? दे आर अकाउंटेबल टू पब्लिक एंड मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जूम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के लास्ट तक। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। मैप का क्वेश्चन है सेक्शन एफ। ये सभी सभी क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन है ना। ज़्यादा बुक से क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादातर आप एनालिसिस बेस्ड पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन ये एडिशनल क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो और पढ़ करके आप एनालिसिस के हिसाब से आंसर दे सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।